तो भाई सारे भाइयों को राम राम है। तो आप सबका भाई आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो में यूँ बताऊंगा कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना है तो आपके लिए कौन सी बेस्ट जगह रहेगी जहां पे आप अर्न भी मोर कर सको, मतलब ज्यादा अर्निंग कर सको, ज्यादा पैसा कमा सको और रेंट कम हो, मतलब सारे एक्सपेंसेस कम हो। तो वो वाली लोकेशंस मैं आपको बताऊंगा और वहीं की यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगभग 37 यूनिवर्सिटीज हैं बात, तो तीन जगह पे मत जाना अगर आप स्टूडेंट हो और आप भाई एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर मत जाना भाई। पहली बात, मेरा भी रिसेंटली एक दोस्त गया, उससे पहले मेरे तीन दोस्त और जा चुके थे लगभग। तो भाई मैं बता देता हूँ, पहले मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन, ये तीन जगह बिल्कुल मत जाना भाई। क्योंकि मेलबर्न आता है भाई विक्टोरिया के अंदर और सिडनी आता है नॉर्थ साउथ वेल्स के अंदर और क्वींसलैंड के अंदर आता है ब्रिस्बेन, तो इन तीनों के अंदर मत जाना, मतलब प्रोविंस के अंदर नहीं, सिर्फ तीन सिटीज के अंदर मत जाना। क्योंकि आपकी पीआर भी लेट होगी, सब कुछ लेट होगा। क्योंकि एक मेरा भाई गया था नौ, उसको लगभग 7.5-8 साल हो गए, अब तक पीआर नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो डायरेक्ट ब्रिस्बेन में गया था, इसलिए नहीं हुआ और आज तक धक्के खा रहा है वो। तो इन तीनों के बजाय पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी जा सकते हो। और कहां पर जाना चाहिए जहां पे कमाई भी अच्छी हो जाए, क्योंकि रीजनल एरिया में यूं हो जाता है भाई, जॉब ही नहीं मिलती कईयों को। तो भाई कई बंदे कहते हैं यहाँ पे जाओ वहां पे जाओ, तो मैं एक पहली बात, एक भाई इसमें एक बिल्कुल ऐसे वो पॉइंट की बात बताऊंगा कि वहां पे एक जगह है, वहां पे भी ज्यादातर बंदे कहते हैं, दो जगह है बल्कि ऐसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि वहां पे चले जाओ जल्दी पीआर हो जाएगी। पीआर तो जल्दी हो जाएगी भाई, क्योंकि पैसे भी कमाने हैं हमने। तो पैसा कमाने के लिए वाली मैं जो जहां पे आपका पैसा भी बढ़िया कमा सको, रीजनल एरिया के अंदर आती है। तो भाई पहली बात कर लेते हैं भाई, सबसे पहले मैं बता दूं आपको एडिलेड। एडिलेड आता है भाई साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर और एडिलेड एक ऐसी जगह है जो मतलब लगभग डेवलपिंग है, मतलब डेवलप बहुत अच्छा डेवलप्ड है, लेकिन रीजनल एरिया के अंदर ही आता है और यहाँ पे रेंट्स भी कम है कंपेयर टू भाई जितने भी तीन सिटीज हैं। यहाँ पे रेंट्स भी कम है, यहाँ पे जॉब्स भी ज्यादा है, प्रोविंस क्या कहते हैं, और ये प्रोविंस भी बढ़िया है और ये मेलबर्न के पास में भी है। मान लिया आपको भी छुट्टियों में आपने मेलबर्न जाना है, मान लिया कमाने के लिए चले गए, 3-4 महीने की छुट्टी होती है गर्मियों की वहां पे, तो वहां पे आप कमाने के लिए चले गए तो तब की बात होगी। तब तो आप तब ने आपने फुल टाइम काम करना है तो मेलबर्न चले जाओ काम करने के लिए वैसे, लेकिन पढ़ाई वहां पर करो। और एडिलेड के अंदर भाई तीन यूनिवर्सिटी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और एडिलेड यूनिवर्सिटी। तो ये तीन भाई तीन यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर और ये तीन बहुत बढ़िया हैं। और भी हैं बाकी वो भाई कॉलेजेस हैं जो कॉलेज में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भाई कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलते अब तक के लेटेस्ट उसके हिसाब से, कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन यहाँ से लोगे तो नहीं मिलता है भाई। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिल भी जाता है तो उनका वीजा के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर, मतलब एडमिशन आपको मिल जाएगा लेकिन वीजा में तो भाई बहुत दिक्कत आ सकती है आपको। तो कॉलेज ना ही चूज करना तो बढ़िया है वहां पे, ना कॉलेज कैनेडा की तरह नहीं है वहां पर। तो एडिलेड हो गया भाई, एडिलेड मैं कहूँ तो वन ऑफ द बेस्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपको कहीं जाना है तो एडिलेड में ही फाइल लगाओ, मतलब यूं मान लो एडिलेड के अंदर फाइल लगाओ। अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ जाते हैं भाई, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई है पर्थ। अब पर्थ भाई पहले तो सिटी के अंदर आता था, अब रीजनल एरिया के अंदर कर दिया था इन्होंने 2019 में। तो भाई पर्थ एक ऐसा है कि भाई पर्थ में थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि कभी सिटी में आ गए तो पीआर थोड़ी सी लेट हो जाएगी, लेकिन अगर पर्थ में भी जाना चाहो तो पर्थ भी काफी अच्छा है। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा होती है वहां पे, लेकिन मतलब ओवरऑल जो देखा जाए डेवलप्ड है, बढ़िया है थोड़ा सा, और ये सबसे बड़ा है मेरे हिसाब से रीजनल एरिया के अंदर, एरिया वाइज सबसे बड़ा है ये सिटी है जो पर्थ, ये अभी तक रीजनल एरिया के अंदर है जैसे एडिलेड है, लेकिन ये आ सकती है भाई कभी भी सिटी के अंदर। तो ये यूं है, रिस्की सा काम है लेकिन ठीक है भाई, पर्थ भी ऐसा नहीं है, माड़ा नहीं है पर्थ। एडिलेड अब तक के सबसे बेस्ट बेस्ट डेवलप्ड टाइप में रीजनल एरिया में आते हैं वो, सबसे बेस्ट यहाँ पे जाना चाहिए सिटीज के लोग। तो उसके बाद बंदे कहते हैं भाई डार्विन में चले जाओ, डार्विन आता है नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर। तो डार्विन में भाई कदे भूल के भी मत जाना, अगर आप तक आपके से 1 साल का पहली रिजर्व नहीं पड़ा है ना पैसा, तो कभी मत जाना भाई डार्विन की, ना यूनिवर्सिटी लेना, कुछ भी मत लेना भाई। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, डार्विन का मना ही कर देना डायरेक्ट, वो कहेंगे आज या वीजा आज कह, जाना ही डार्विन भाई, पैसे नहीं कमा पा रहे वहां पे, अपना घर का रेंट निकाल पा रहे, खाने पीने का निकाल पा रहे, तो कोई फायदा क्या है। तो डार्विन में मत जाना, डार्विन ये ऊपरली साइड है, सिडनी इस साइड है भाई और पर्थ इस साइड है, इस कोने कोने में, क्योंकि मान चारों तरफ कोनों में बसे हुए हैं लोग, कोस्ट पे कह देते हैं। तो उसके बाद भाई अगर मैं बात कर लेते हैं भाई, अगर आपके कैनबरा में जाना, कैनबरा भाई वहां की कैपिटल है और वो रीजनल एरिया में आते हैं। कमाल की बात ये है क्योंकि कैपिटल जैसे डेवलप्ड होती है कैपिटल, लेकिन वो वहां की कैपिटल रीजनल एरिया के अंदर आती है। तो अगर भाई मेरा ये यहीं पर गया अभी दोस्त, कैनबरा के अंदर गया अभी रिसेंटली मेरा दोस्त, तो भाई अगर आप कैनबरा में जा रहे हो तो कैनबरा काफी अच्छा है भाई, उसको अभी
सब कुछ हो गया भाई उसका, मतलब सिस्टम जॉब जॉब सब कुछ मिल गया उसको। और वो कहता है, हम बंदे कहते हैं कैनबरा में जॉब्स की दिक्कत है कुछ भाई, उसने उस हिसाब से जिससे मैंने उससे पूरा उसका एक्सपीरियंस लिया कि भाई इतने दिन में कैसे जॉब मिल गई, जल्दी जॉब मिल गई उसे, तो उसने सारा बताया कि भाई बढ़िया एक्सपीरियंस था, उसको जॉब भी मिल चुकी है और बढ़िया जॉब मिली है, कोई वैसी वैसी जॉब नहीं मिली, बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है उसे। अब कैनबरा हो गया, अब छोटी छोटी और सिटीज आ जाती है भाई। अगर आप भाई ब्रिस्बेन के पास में जाना चाहते हो, ब्रिस्बेन मतलब किसी डेवलप सिटी के पास में, ताकि मैं उधर काम भी कर लूँ अगर बाई चांस फीस नहीं निकल रही, तो गोल्ड कोस्ट एक अच्छा ऑप्शन आएगा। और अगर यूनिवर्सिटी गोल्ड कोस्ट में भाई, एक ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी और एक बॉन्ड्स यूनिवर्सिटी है। जो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है भाई वो गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी, हाँ गवर्नमेंट है, मतलब उसकी फीस है तो सबकी ज्यादा लेकिन कंपेयर टू ज्यादा है और कंपेयर टू कम है। और जो वहां पे एक बॉन्ड यूनिवर्सिटी है, बॉन्ड यूनिवर्सिटी है, वो भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो भाई उसकी तो भाई मैंने एक फीस दे रहा था भाई उसकी करोड़ में जा रही थी, एमबीबीएस थी शायद मतलब, लेकिन वो भाई उसमें फायदा नहीं है। और गोल्ड कोस्ट में जाना, क्योंकि मैंने अगर मैंने मैंने मैं बताऊं, मैंने ना ब्रिस्बेन की यूनिवर्सिटी सर्च करी, ना सिडनी की यूनिवर्सिटी सर्च करी, ना मेलबर्न की, क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को जाने का फायदा ही नहीं है भाई, इसलिए नहीं करी है मैंने। अगर आपकी मर्जी है भाई वो तो आप पे जाना है। एक ना भाई अगर आपको मेलबर्न के पास में जाना है, जैसे ब्रिस्बेन के पास में है गोल्ड कोस्ट, ऐसी अगर उसके पास में जाना है कि वहां पे जाके काम कर लूँ अच्छी, मतलब अच्छी हो जाए अर्निंग भी और मेरे को जल्दी पीआर भी हो जाए, तो भाई मेलबर्न के पास में गया यूनिवर्सिटी फेडरेशन यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे है, तो भाई उस यूनिवर्सिटी मेलबर्न के पास में और वो रीजनल एरिया में आता है, तो उस यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाह अगर एडमिशन, लेकिन वो भाई रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि अभी रिसेंटली एक दीदी गए थे यहाँ से, वो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर, पहले तो उन्होंने इसी में करा था भाई, फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी जो भी है फेडरेशन यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर अप्लाई करा था, लेकिन इसके बाद भाई उनका यहाँ से उन्होंने जवाब नहीं दिया, बहुत टाइम हो गया, तो उन्होंने हटा के ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में कर दिया था जो गोल्ड कोस्ट में है, और वो भी उन्होंने उनके उनका था नर्सिंग भाई। तो अब भाई मैं बात करूं, कोई छोटी छोटी सिटीज है भाई, जैसे पोर्ट मकवैरी है, तो पोर्ट मकवैरी में भाई वो एनएसजी ब्लॉग्स है अगर पता नहीं, तो भाई पोर्ट मकवैरी है ये वाली यूनिवर्सिटी, मेरे हिसाब से यहाँ पे जाने का फायदा नहीं, लेकिन फिर भी भाई काम तो चल जाता है अगर फीस निकालनी है आपने, क्योंकि अब रूल्स भी टाइट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो वो आप पे डिपेंड कर जाता है। मैक्सिमम भाई मैंने सिटीज ना कवर कर दी है, एक बार मैं बता देता हूँ, मेन मेन सिटीज एडिलेड भाई और तस्मानिया भाई, तस्मानिया में भी कहते हैं भाई वहाँ पे पीआर बहुत ही जल्दी हो जाती है भाई, नो डाउट पीआर जल्दी हो जाती है, वहां पे भी 1 साल का रिजर्व चाहिए। तस्मानिया है उस जैसा भाई, बिल्कुल डार्विन जैसा तस्मानिया, और भी भाई छोटी छोटी एरियाज हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं। अब जैसे पर्थ में भाई, पर्थ में 3-4 है, एडिथ कोयल यूनिवर्सिटी है एक, और उसके भाई दूसरे दूसरे वाले कैंपसेस भी हैं, जैसे एक कर्टिन यूनिवर्सिटी है और 3-4 यूनिवर्सिटी है वहां पे पर्थ में, तो पर्थ में भी काफी है। एडिलेड के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज बता दी है, और गोल्ड कोस्ट के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, पोर्ट मकवैरी में वो मकवैरी यूनिवर्सिटी है, और वोलोंगोंग में यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग है, ये पड़ता भाई ये सिडनी के पास में। अगर आप वोलोंगोंग में जाना चाहो, अगर मान लिया वहां से कभी जॉब करनी छुट्टियों में, तो मतलब सिडनी के पास रहना चाहते हो, वोलोंगोंग बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके पास। और ब्रिस्बेन के पास, सिटीज के पास रहना चाहते हो ना, ताकि मैं जॉब भी करूँ पैसे ज्यादा कमा लूँ, तो ब्रिस्बेन के पास तो गोल्ड कोस्ट बढ़िया रहेगा। ये स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ भाई मैं, तो सबसे मैं उनकी नहीं बात कर रहा भाई जो डायरेक्ट पीआर पे जा रहे हैं या उनके उस पे जा रहे हैं, तो उनकी भी नहीं बात कर रहा हूँ मैं। और भाई पूरा ऑस्ट्रेलिया कवर कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया के टेरिटरीज भी बता दूं, मतलब इन सयास जो स्टेट्स हैं, एक तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, नॉर्थ साउथ, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया, और एक ये है भाई कैनबरा, तो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है। तो ये भाई मैंने ऑलमोस्ट सारी कवर कर दी है, और अगर आपको भाई अगर दूसरी वीडियो चाहिए कनाडा की, वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, अगर आप कमेंट कर दोगे तो बता दोगे किसकी वीडियो चाहिए, तो वो भी बता दूंगा। मेरे और भी बहुत सारी उनके बारे में रिसर्च कर रखी है बहुत ज्यादा, तो आपको किसी के ऊपर भी वीडियो चाहिए, किसी कंट्री के ऊपर जहाँ पे बेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, क्या कुछ होता है, क्या पूरा मतलब सारा सिस्टम क्या होता है उस कंट्री का, अगर इसके बारे में भी जानना ना सारा सिस्टम, इसमें क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, कौन सा कोर्स अप्लाई करना चाहिए जो आगे फ्यूचर में बेस्ट रहेगा, पीआर जल्दी हो जाती है, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया में लगभग निकलती है 50-1 हजार पीआर निकलती है, कनाडा में निकलती है 3 लाख पीआर, तो भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो लेकिन पीआर को छोड़ के भाई यहाँ पे कमाई ज्यादा है, मतलब जितना भी अगर आपको किसी के ऊपर भी वीडियो चाहिए ना, तो मेरे को भाई एक बार कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे भाई मेरे को मैसेज कर देना, अगर किसी से रिलेटेड, अगर वहां पे भी अगर कोई बंदा है, जैसे किसी बंदे से बात करना चाहते हो आप जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा है अभी, मतलब करंटली वहां पे पढ़ रहा है, जॉब कर रहा है या कुछ भी, तो भाई मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं आपकी वीडियो कॉल होगी तो वीडियो कॉल करवा दूंगा। तो यही कहना चाहता था भाई, तो सारे भाइयों को राम राम। अगर भाई कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई जरूर, मैं क्योंकि भाई ऐसी वीडियोज मैं लेके आता रहूंगा, एक नहीं वीडियो लेके आऊंगा करीब, बस अब तो चलती रहेंगी भाई,
तो बहुत सारी आएंगी इससे रिलेटेड वीडियोस, और स्पेसिफिक सिटी के बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊं या कैसे बनाऊं, वहां के बंदे से बात करूं जो वहां की स्पेसिफिक सिटी में, तो मेरे को सारी बात बता देना भाई, आप कमेंट में कर देना जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो भाई उससे रिलेटेड बता दूंगा आपको। और सारे भाइयों को धन्यवाद है भाई, तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कोई बढ़िया टॉपिक के साथ, तो भाई बने रहो वीडियो में, भाई देखते रहो। थैंक यू भाई सारे भाइयों को, तो मेरे हिसाब से सबने कर दिया होगा सब्सक्राइब, और बस तो लाइक भी कर दो फिर।